Wah! Burn it down. Burn it. कि कांग्रेस पार्टी को एक अंग्रेज व्यक्ति ने बनाया था, ओ ह्यूम उसका नाम था। और कांग्रेस की जब बंबई में स्थापना हुई 1885 में गोकुलदास तेजपाल भवन में, तो बाकायदा कांग्रेस का जो प्रियम्बुल लिखा गया था वो क्या था कि कांग्रेस पार्टी एक मनोरंजन क्लब के रूप में स्थापित हुई थी इस देश में, मौज मस्ती का क्लब था। और अंग्रेज क्या कहा करते थे कि इस कांग्रेस पार्टी में ऐसे पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों को हम जमा कर देंगे जो हिंदुस्तानियों के मन में थोड़ा बलबला है, और वो बलबला इस पार्टी में निकल आएगा तो फूट कर बाहर निकल जाएगा। और कांग्रेस पार्टी को अंग्रेज कहा करते थे कि ये सेफ्टी वॉल्व है, फ्यूज की तरह से उड़ जाएगा। इसलिए कांग्रेस की नींव पड़ी, ऐसे नींव पड़ी है इस पार्टी की। और दुर्दिन तो इस पार्टी को देखने ही थे। मैं आपको पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, अगर महात्मा गांधी ना आए होते साउथ अफ्रीका से तो कांग्रेस को पूछने वाला कोई नहीं था इस देश में, कोई जानता भी नहीं था कि कांग्रेस है और नहीं भी है। गांधी जी ने आके इसमें प्राण फूके थे और गांधी जी ने आके इसको जन आंदोलन का रूप दिया था। बाद में गांधी जी खुद इतने दुखी हुए कि उन्होंने आजीवन कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। और बाद में गांधी जी कांग्रेस पार्टी में मेंबर तक नहीं रहे, और अंत में जीवन के आखिरी दिनों में गांधी जी ने यह बहुत स्पष्ट कह दिया था कि कांग्रेस को खत्म कर दो। क्यों? गांधी जी कहा करते थे कि अगर इस कांग्रेस को खत्म नहीं किया तो यह हिंदुस्तान को वैसे ही लूटेगी जैसे अंग्रेज इस देश को लूटते रहे। लेकिन इन कांग्रेसियों ने कांग्रेस को खत्म नहीं की, गांधी को खत्म करवा दिया, क्योंकि गांधी उनके रास्ते की रुकावट बनने लगे थे। और बाद में जब कांग्रेस खत्म नहीं हुई तो आज आप उसका हश्र देख रहे हैं। हिंदुस्तान में घोटाले दर घोटाले इस पार्टी ने रिकॉर्ड कायम किया है। और गांधी जी यही कहा करते थे कि अगर ये कांग्रेस खत्म नहीं हुई तो देश को ऐसे लूटेगी जैसे अंग्रेज लूटा करते थे। वही बात आज गांधी जी की सत्य सिद्ध हो रही है इस देश में। और ऐसे धोखाधड़ी से, ऐसे 400 बीसी के काम से पंडित नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। और ऐसी धोखाधड़ी से अगर इस देश की आजादी आई हो तो वो आजादी आजादी है कहां। और इसलिए गांधी जी 14 अगस्त 1947 की रात को दिल्ली में नहीं आए थे, वो नोआखली में थे। और कांग्रेस के बड़े नेता गांधी को बुलाने के लिए गए थे कि बापू चलिए आप, गांधी ने मना कर दिया था। क्यों? गांधी कहते थे कि मैं मानता नहीं कि कोई आजादी आ रही है। और गांधी ने स्पष्ट कह दिया था कि ये आजादी नहीं आ रही है, सत्ता के हस्तांतरण का समझौता हो रहा है, आजादी नहीं आ रही है। और गांधी जी ने नोआखली से प्रेस स्टेटमेंट रिलीज किया था, वो प्रेस स्टेटमेंट भी पूर्णाहुति में छपा है पूरा का पूरा। उस प्रेस स्टेटमेंट गांधी जी ने पहले ही वाक्य में ये कहा कि मैं हिंदुस्तान के उन करोड़ों लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं कि ये जो तथाकथित आजादी सो कॉल्ड फ्रीडम आ रही है ये मैं नहीं लाया, ये सत्ता के लालची लोग हस्तांतरण के चक्कर में फंस कर लाए हैं। मैं मानता नहीं कि इस देश में कोई आजादी आई। और इसलिए गांधी आए नहीं थे 14 अगस्त रात 1947 को दिल्ली में नहीं थे, नोआखाली में थे। माने भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा पुरोधा जिसने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई की नींव रखी हो वो आदमी दिल्ली में मौजूद नहीं था 14 अगस्त 1947 की रात को। क्यों? इसके गंभीर अर्थ हैं, गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। और 14 अगस्त 1947 की रात को जो कुछ हुआ है, 14 अगस्त 1947 की रात को जो कुछ हुआ है वो आजादी नहीं आई, ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट साइन हुआ था पंडित नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच में, ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट और इंडिपेंडेंस ये दो अलग चीजें हैं, स्वतंत्रता और सत्ता का हस्तांतरण ये दो अलग चीजें हैं। और सत्ता का हस्तांतरण कैसे होता है आप आज देखिए,
एक पार्टी की सरकार है वो चली जाए, दूसरी पार्टी की सरकार आती है तो दूसरी पार्टी का प्रधानमंत्री जब शपथ ग्रहण करता है तो वो शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद एक कॉपी पर हस्ताक्षर करता है, शायद आपने देखा होगा। तो जिस कॉपी पर आने वाला प्रधानमंत्री हस्ताक्षर करता है उसी कॉपी को ट्रांसफर ऑफ पावर की बुक कहते हैं, और उस पर हस्ताक्षर के बाद पुराना प्रधानमंत्री नए प्रधानमंत्री को सत्ता सौंप देता है और वो निकलकर बाहर चला जाता है। यही नाटक हुआ था 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी सत्ता पंडित नेहरू के हाथ में सौंपी थी और हमने कह दिया कि स्वराज्य आ गया। कैसा स्वराज्य और काहे का स्वराज्य? अंग्रेजों के लिए स्वराज्य का मतलब क्या था और हमारे लिए स्वराज्य का मतलब क्या था? अंग्रेज कहते थे कि हमने स्वराज्य दिया, माने अंग्रेजों ने अपना राज तुमको सौंप दिया। ये अंग्रेजों का इंटरप्रिटेशन था, और हिंदुस्तानी लोगों का इंटरप्रिटेशन था कि हमने स्वराज्य ले लिया, अंग्रेजों ने अपना राज्य तुमको सौंपा था ताकि कुछ दिन तुम इसको चला लो, जब जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा आ जाएंगे। और अभी महारानी इसीलिए याद दिलाने के लिए वापस आई है।